खबर है झारखंड के पलामू जिले से। आपको बता दें कि झारखंड में सहायक अध्यापक संघ ने बड़ी उम्मीद के साथ झामुमो के नेतृत्व में हेमंत सरकार को पिछले चुनाव में एकजुट होकर अपना समर्थन दिया था। उन सभी सहायक शिक्षकों को एक मात्र झारखंड की हेमंत सरकार से उम्मीद थी कि हम सभी शिक्षकों की मांग पर खरा उतरेगी ये सरकार। लेकिन अब कुछ महीनों बाद इस सरकार के कार्यकाल समाप्त होने वाली है, लेकिन आकलन सफल प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। इन्हें आक्रोशित पूरे राज्य के सहायक अध्यापक संघ ने मोरहाबादी मैदान रांची में संगठन के जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी एवं तमाम जिलों के सक्रिय सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार पर हल्ला बोल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस पर प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत तिवारी ने सरकार की निंदा करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि आकलन सफल सह प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ एकजुट होकर सरकार बनाना जानती है तो सरकार को गिराना भी जानती है। इसलिए आने वाले चुनाव में पहले हम सभी सहायक अध्यापक शिक्षक संघ की मांग को सरकार पूरा करे और लागू भी करे और हमारी मांगे पूरी की जाए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अनुज तिवारी की रिपोर्ट। आज का जो मूल बैठक है, हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण चीज इस विषय पर है कि सभी शिक्षकों को एक एक व्यक्ति जाकर के हर प्रखंड संकुल स्तर तक जाकर के उसको जगाने का कार्य करे, क्योंकि अब सरकार हमारे पास सहने का सीमा जो था वो अंतिम स्थिति पर पहुंच चुका, क्योंकि इस सरकार से पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा बना हुआ है कि ये सरकार पारा शिक्षकों को देगी तो यही सरकार देगी, क्योंकि हम लोग आन शान बान अरमान के साथ इस सरकार को लाए हुए हैं और दिन ब दिन जो है हमारे पारा शिक्षक काल के गाल में समाते जा रहे हैं। और सरकार से निवेदन करने के लिए तमाम पारा शिक्षक के और जो संगठन चलाते हैं, एक एक व्यक्ति जो है संकुल स्तर से जुड़कर सरकार से जाकर के एक बार शिष्टाचार मुलाकात करेंगे और शिष्टाचार मुलाकात के बाद अपनी व्यथा को बताएंगे कि आप हमेशा धैर्य बनाए रखने के लिए हम लोगों को केवल आश्वासन देते आए हैं। आज अब हम लोग का धैर्य का सीमा टूट चुका है, चूँकि मेरे पास मात्र समय 4 महीना का बचा हुआ है। अब इस स्थिति को देखते हुए सरकार या तो हमारी मांग को वेतन मांग के रूप में कन्वर्ट करते हुए अविलंब घोषणा करे, अन्यथा सरकार से हम लोग आर पार के मूड में लड़ने के लिए विवश होंगे और इतना जोरदार आंदोलन होगा कि आज तक झारखंड का इतिहास कभी भी ये नहीं देखा हुआ कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। रघुवर दास से भी केस कार्यकाल में जो आंदोलन हुआ उससे भी अधिक तौर पर, और मैं पूरे झारखंड के तमाम जितने भी हमारे पारा शिक्षक संगठन के नेतृत्व करता है, अब एक एक पारा शिक्षक है, उनसे भी मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार का गिला शिकवा भुला करके सब हम लोग एक सूत्र में बंध करके समन्वय स्थापित करके इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।